विश्वस्य परम निधानम श्री कृष्ण परमात्मा की अविरत कृपा से सदा आशीष संपन्न रहता ये परिवार। विश्व के सभी इष्ट के आशीष से छाया हुआ आच्छादित यह परिवार एक ऐसे स्रोत से निकला है जिन्होंने अभूतपूर्व साहस के साथ स्वप्न और सिद्धि के बीच में रहे संघर्ष को पार करके अपना खुद का एक सामाजिक और व्यावसायिक परिवार रचा है। ऐसे परम वंदनीय श्री अभयराज जी छाजर जी के चरणों में कोटि वंदन। आज भी उनकी स्मृति सिंचन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए उनके सभी परिवारजन, स्नेहीजन, गुरुजन, वडिलों और मेरे प्यारे दोस्तों को राधा मेहता का शत शत वंदन। आषाढ़ घनी ये छाई है, वो शब्द की वर्षा लाई है, कुछ बिखरे बिखरे लफ्जों में, कुछ पल दो पल के किस्सों में, जो साथ रहा वो साथ लिए एक शब्द की मूरत बनाई है। है फूलों सी नाजुक हथौड़ी और मखमल सी छैनी पाई है, आषाढ़ घनी ये आई है, वो शब्द की वर्षा लाई है। हम सभी के हृदय में इस कविता में कहे गए ऐसे शब्द चित्र, शब्द शिल्प, शब्द की मूरत कहीं ना कहीं हृदय के किसी ना किसी कोने में जरूर छुपी पड़ी है, दबी पड़ी है। और आखिर क्यों ना हो, पिता संबंध ही ऐसा है, कठोर फिर भी मृदु, अड़ग फिर भी तरल, हमेशा नाविन्यपूर्ण और तरोताजा रहने वाला, तरोताजा रखने वाला संबंध। वास्तव में एक जीव का इस पृथ्वी पर अवतरण ये कोई मामूली घटना नहीं हो सकती। स्नेह, प्रेम, ममता और करुणा की पारमिता बनने पर ईश्वर एक महिला को माता पद और धैर्य, स्थैर्य, साहस, हिम्मत और मेहनत की परिपक्वता आने पर ईश्वर एक पुरुष को पिता पद सौंपते हैं। इस सृष्टि को बड़ी विस्मय भरी नजरों से देखने वाली छोटी सी झिलमिलाती टमटमाती एक नन्ही सी जान अपनी आंखें जब पहली बार खोलती है, तब उन दो आंखों में दो आंखें और मिलाकर, उस दो भुजा को पंख बनाकर उसमें ऊंची उड़ान की जो स्वप्नारोपण करती है, वो दो आंखें होती है पिता की आंखें। शायद कोई भी बच्चा सबसे पहला शब्द जो बोलता है वो है माँ, लेकिन वो माँ शब्द बुलवाने के लिए उस माँ की ओर अंगुली निर्देश करती जो अनिर्वाच्य उंगली उठती है, जो मौन सबर उंगली उठती है, वो है पिता। अगर माँ ये वात्सल्य का अविरत बहता झरन है, तो पिता वो हृदय स्रोत है जहां से वो वात्सल्य झरन निकलता है। शायद सभी बच्चों को माँ का प्यार, दुलार, हूफ सबसे पहले माँ की गोद में मिलता है, लेकिन फिर जब उससे उस बच्चे की हाथ पांव आंख में जौम, हिम्मत, साहस बढ़ने लगता है, तब माँ उस बच्चे की उंगली को पिता के हाथ में सौंपती है। तब घर की और बाहर की दुनिया को अपने स्व अनुभव से पहचानने के लिए और जब जब ठोकर लगे तो उसे संभालने के लिए वहां पर पिता होते हैं। एक संतान के लिए पिता क्या हो सकते हैं, यह समय के साथ बदलने वाली छोटी सी फिर भी बड़ी महत्वपूर्ण परिकल्पना है। जब हम खुद चलना भी नहीं जानते, तब हमारे लिए चल मेरे घोड़ा रे शाही सवारी होते हैं पिता। जब हम चलना शुरू करते हैं, चलना सीखते हैं, तो हमारी ठेला गाड़ी। जब हम पहली बार स्कूल के दरवाजे पर कदम रखते हैं, तो कलम का क लिखने के लिए पार्टी पेन और एक किशोरावस्था में एनसाइक्लोपीडिया, ये सब कुछ पिता है। इस विशाल जगत में साहस, हिम्मत और आत्मसम्मान के साथ खड़े होना, चलना और विजयी बनना सिखाते हैं पिता।
उस ठेला गाड़ी से लेकर मांगल्य दीप तक की सफर में, डोली उठने तक की सफर में, जरूरत पड़ने वाले हर एक अनुभव को अपनी मिठास से बुनकर उसको हमें पिलाते हैं पिता। पिता की यही मेहनत और हिम्मत आखिर में हमें सिद्धांतों का बांस लेकर इस जीवन की डोर पर आदर्श और व्यवहार की दोनों बाजू समतुला लगाकर उस जीवन डोर को पार करना सिखाते हैं। हमें सुरक्षित, सुखी और संपन्न रखते के लिए कवच बनके हम पे लिपट जाने वाले दो हाथ, एक के बाद एक साफल्य शिखर सर करवाने वाले दो पैर, इस जगत को देखने की सकारात्मक और दीर्घ दृष्टि है पिता। सतत ने सतत हर हमेश परिवार के लिए धबकने वाले, धड़कने वाले एक हृदय को ईश्वर ने जिस पवित्र देह में छिपा कर रखा है वो देह है पिता। हम हमेशा देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि पिता के लिए हमेशा दृढ़ और कठोर उपमाओं का ही प्रयोजन होता है। इमारत की नींव, घर का आधार स्तंभ, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति की जो उष्मा एक बीज में से कोंपल को बाहर लाती है वो माँ है, लेकिन जो रुद्र चक्र उस छोटी सी नाजुक सी कोंपल को विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित करता है वो धूप छाव, छाव, ठंड बारिश, वो पिता है। और वो भी किन अनोखी अदाओं में। सब जानते हैं कि घर में रोटी का सिर्फ आधा रूखा सूखा टुकड़ा पड़ा है, तब कोई इंसान ये कहता है कि बेटा तू ही खा ले, तो वो निश्चित से रूप से माँ है। लेकिन अगर कोई ये कहता है बड़ी बेफिक्राई के साथ कि मैंने तो बहुत खा लिया, अब जो बचा कुचा है ना वो तू खा ले, और हमें पता भी ना चले कि वो इंसान भूखा है, वो पिता है। एक पिता अपने परिवार को सख्त होकर सुरक्षित रखते हैं। पिता शब्द ही परिवार के आवरण को निर्दिष्ट करता है। पूज्य बापू को शायद यही भावना पूरे राष्ट्र के लिए थी और इसी भावना ने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया। पिता पद का अंतिम सोपान ही संतानों का सर्वथा कल्याण, संतानों का सर्वथा सुख है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, संस्कृति में कई सारे दृष्टांत दिए गए हैं ना। श्री राम ने पिता के वचन के खातर अपना राज्याभिषेक को भी छोड़कर पत्नी सहित 14 साल का वनवास किया। अभिमन्यु ने पिता के प्राणों की रक्षा के लिए चक्रव्यूह के 7 कोष्टकों को भेदकर स्वयं को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। नचिकेता ने पिता के वचन के खातर खुद को यमराज के सामने धर दिया। ये सभी दृष्टांत कहाँ की ओर उंगली निर्देश करते हैं? संस्कारों की शुद्धता की ओर। एक पिता का जीवन में जो स्थान है, उन्होंने हमारे लिए जो परित्याग किए हैं, उसके ऋण स्वीकार की भावना की ओर रंगोली करने वाले ये सारे के सारे दृष्टांत है। जननी जन्म भूमिश्च जानवी च जनार्दन जनक पंचमेश्चैव जकारा पंच दुर्लभम। 5 दुर्लभ जकार में जननी और जनक दोनों है। पिता हमेशा अपने संतान के लिए तीसरी आंख से देखते हैं। नारियल का जो सख्त कवच होता है वो पिता है, और अंदरूनी मीठा पानी वो माँ है। ये दोनों साथ में मिलकर अपने अंदर एक बीज को परिपक्व बनाने की प्रक्रिया में हर हमेशा लगे रहते हैं। और ये बीज जब संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए समर्थ बनता है, तो वो सख्त कवच और अंदरूनी पानी से अलग हो जाता है। पिता अगर सख्त बनकर परिवार को सुरक्षित नहीं रखते, तो सिर्फ अंदर का मीठा पानी उस बीज को परिपक्व नहीं बना सकता। इस संसार में एक बच्चे का परिपाक, एक संतान का परिपाक उस सख्त कवच के बिना, पिता के बिना शक्य नहीं है। और शायद पिता के स्थान की यही महत्ता को समझाने के लिए नारियल को, उस श्रीफल को सदाशिव शंकर की तरह 3 आंखें दी गई हैं। पिता हमेशा अपना संतान के लिए तीसरी आंख से देखते हैं। और करुणता तो देखिए कि यही श्रीफल जब बारात कन्या को लेकर वापस जाती है, तब उसके पहिए के सींचने के साथ कितना टूट जाता है, चूर चूर होकर बिखर जाता है।
लोग तो उस दंपत्ति को आशीष देते हुए उस बारात को एक मंगल नजरिए से देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उस बिखरे पड़े चूर चूर हुए श्रीफल का क्या? पुत्र हो या पुत्री, पिता हमेशा अपने संतान, परिवार, समाज और समग्र राष्ट्र, समग्र विश्व में एक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करें, उसके लिए स्वयं की परवाह किए बिना लगे रहते हैं। एक संतान जब अपने लक्ष्य वेद के लिए हरेक नया तीर अपनी पणच पे चढ़ाता है, तो उस पणच को अपने कानों तक खींचने का शारीरिक बल और पंछी की आंख के लक्ष्य वेद का मानसिक बल तो देते हैं वो पिता है। हर एक नए तीर के साथ और ऊंचा और स्पष्ट लक्ष्य जो देते हैं वो पिता है। और अपना संतान जब एक सर्वांग संपूर्ण धनुर्धर बन जाता है, तो उसके उत्तम सलाहकार और मित्र जो बन जाते हैं वो पिता है। हम इस सृष्टि के सृजनहार को क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। जो मृत्यु के बाद स्वर्ग देते हैं वो परमात्मा, लेकिन जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर हमारे आंगन में स्वर्ग का निर्माण करती है वो माँ। बिल्कुल उसी तरह जो मांगो वो दे दे वो परम पिता, लेकिन कुछ भी ना मांगो, संपूर्ण मौन रखो और फिर भी अपना सब कुछ दे दे वो है पिता। हमारी सृष्टि के सृजनहार है हमारे माता पिता, इसीलिए हमारे सामने रहा साक्षात पुरातन नित्य और सनातन ईश्वर का नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप है हमारे माता पिता। माँ इस समग्र संसार का सार है, हम इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र के रथी हैं, और पिता सार और रथी दोनों है, वो सारथी है। वो कभी भी हमारा रथ, हमारी मंजिल को खुद पार नहीं करते, लेकिन हमारा पथ दर्शन बिल्कुल उस तरह से करते हैं कि हम इस कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह विजयी बन सके। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नितिर्मतिर् मम। जब हमारे पास एक श्रेष्ठतम पिता रूपी सारथी है, एक कृष्ण रूपी सारथी है, तो हम भी अपने आप अर्जुन की कक्षा में पहुंचकर इस कुरुक्षेत्र में विजयी निश्चित रूप से बनते हैं। इस समाज का कोई भी परिवार हमेशा सुखी संपन्न रहे, एक वटवृक्ष की तरह खिलता रहे, फैलता रहे, उसका कारण है धरती में दबी, धरती में गहराइयों में दबी उसकी जड़ें। वो जड़ें शायद ऊपर कभी नहीं दिखती, लेकिन धरती के अंदर से रस पोषक द्रव्य चूसकर उसकी हर एक टहनी तक पहुंचाती है। उस वृक्ष को अपने पोषक द्रव्यों से संपन्न रखने के लिए सदाए लगी रहती है, और किसी भी परिवार की यह जड़े, ये नींव है उस परिवार के बड़े बुजुर्ग, उस परिवार के माता पिता। और इसीलिए कोई भी सुखी संपन्न परिवार हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा समृद्धि की ओर बढ़ता रहे, उसके लिए जो जिम्मेवार है वो है हमारे माता पिता। वहां श्रृंग है, वहां सरिता है, कारण वो पर्वत है। मैं ये देख रही हूं कि वहां निश्चलता है, वहां स्नेह है, वहां करुणा है, वहां ममता है, कारण वो हृदय है। मैं वो देख रही हूं कि वहां मृदुता है, वहां प्रसून है, वृक्ष लता है, कारण वो निषाद है। मैं यह देख रही हूं कि वहां विशालता है, वहां उत्साह है, भव्यता है, कारण वो एक जश्न है। मैं वो देख रही हूं कि वहां सफलता है, वहां संस्कार है, संस्कृति और सभ्यता है, कारण वो एक परिवार है। लेकिन मैं यह देख रही हूं कि वहां एक पिता है। हरि ओम।